ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोग्रवाल ने बताया कि मौजा डुमरी नंबर एक टोला से वही थाना गुलरिया तथा थाना क्षेत्र पिपराइज अंतर्गत स्थित तीन ग्राम खजवा मिटहनिया जुनूबी एवं ग्राम जंक्शन छत्रधारी टोला महुआ चाफी में कोरोना का एक एक पॉजिटिव व्यक्ति पाया गया है, जिसके फलस्वरूप कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के नामित मौजा डुमरी नंबर एक टोला से वही थाना गुलरिया तथा थाना क्षेत्र पिपराइज अंतर्गत स्थित तीन ग्राम खंजवा मटहनिया जुनूबी एवं ग्राम जंक्शन छत्रधारी टोला महुआ चाफी के 400 मीटर परिधि का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन तथा 700 मीटर परिधि क्षेत्र को बफर जोन घोषित करते हुए उक्त परिधि सीमा को पूरी तरह से सील किया गया है। इस परिधि में आम जनमानस का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बताया कि उक्त परिधि क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति अपने रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होम डिलीवरी के माध्यम से पाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा घोषित ऑनलाइन डिलीवरी पोर्टल पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर ने बताया कि कोविड 19 के दृष्टिगत प्रभावी लॉकडाउन के दौरान ग्राम बिलवा रायपुर थाना गुलेरिया में तथा मोहल्ला बेतिहाता स्थित सवेरा हार्ट एवं आई सेंटर हॉस्पिटल थाना कैंट में एक एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के दृष्टिगत से उक्त ग्राम तथा हॉस्पिटल के 250 एवं 400 मीटर क्षेत्र को कंटेनमेंट एवं बफर जोन घोषित करते हुए निर्धारित एरिया को सील करते हुए उक्त परिधि सीमा में आवागमन एवं खाद्य दुकानों प्रतिष्ठानों को खोलने से प्रतिबंधित किया गया था। वर्तमान समय में ग्राम बेलवा रायपुर के पॉजिटिव व्यक्ति का इलाज प्रारंभ होने पर वर्तमान समय में उसकी जांच रिपोर्ट निगेटिव पाए जाने तथा सवेरा हार्ट एवं आई सेंटर हॉस्पिटल के निर्धारित एरिया की अवधि 14 दिन पूर्ण हो जाने के कारण शासन के निर्देशानुसार उक्त ग्राम मोहल्ले में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु लगाया गया प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। वर्तमान समय में उक्त क्षेत्र में भी प्रभावी लॉकडाउन के प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाता है वर्तमान समय में उक्त क्षेत्र में भी प्रभावी लॉकडाउन के प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोग्रवाल ने बताया, आज 4 नए पॉजिटिव केस मिले हैं हमारे तहसील सदर में, जिसमें 3 केस हमारे पिपराइज थाना अंतर्गत हैं, तो गाँव जंगल दूसर है, मठनिया जुनेबी है और खजहा। 3 गांव हमारे पिपराइज थाना अंतर्गत हैं, उनको हॉटस्पॉट बनाया गया है, जिसमें 400 किलोमीटर का कंटेनमेंट एरिया को हमने सील कर दिया है और एक हमें गुलेरिया थाना अंतर्गत जंगल डुमरी नंबर एक मिला है। तो टोटल हमारे 4 हॉटस्पॉट बने हैं आज, जिसमें जो शासन के निर्देशानुसार 400 मीटर का जो एरिया है हमारा वो कंटेनमेंट एरिया है और सारी आवागमन उसमें रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, सारे घरों में सप्लाई को हम डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से करवाया जा रहा है। इसके साथ ही हमारे 2 ऐसे हॉटस्पॉट थे जो बने हुए थे, उनको आज जैसे एक हॉटस्पॉट था हमारा बेलवा रायपुर में थाना गुलरिया, वहाँ का जो पॉजिटिव पेशेंट था वो नेगेटिव आ गया है, उसके लिए फिर हमने उस कंटेनमेंट जोन को फ्री कर दिया है और जो भी उसके रिस्ट्रिक्शन थे पहले हमने प्रतिबंधात्मक जो कार्रवाई लगाए थे उसको हमने रिलीज कर दिया है। और एक हमारा सवेरा हॉस्पिटल है थाना कैंट अंतर्गत, उनके 14 दिन पूरे हो गए कंटेनमेंट के, उस एरिया को भी हमने अब सारे प्रतिबंध खत्म करते हुए नॉर्मल लॉकडाउन की सारी प्रक्रिया को अपनाने के लिए मुक्त कर दिया है।